नौकरियां दी और हैं, उनको पौने बिल्कुल, तीन लाख चलिए रुपए का मुद्दे पे आ रहे बेनिफिट हैं, दिया है सरकार मुद्दे ने। पे आ रहे हैं। नहीं, आपने जितनी अश्वनी नौकरियां जी, दी हैं हम हमेशा पूछते हैं, आपने बार्गेनिंग ये करो कभी। बताया, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा आप हूं, जो करते हो वो आप भी करते हो। आपने 2 करोड़ रोजगार भी दिए, आपने 15 लाख रुपए भी दिए, आप नोटबंदी के बाद आपने 50 दिन में चौराहे पे भी आए, चलिए मैं आपने किसानों को सड़कों पे नहीं लाए, अश्वनी जी कितने रोजगार आपने दिए उनकी लिस्ट जारी कीजिए पहले, तो मैं बता रहा हूँ लिस्ट नंबर के साथ, ताकि कोई भी क्रॉस चेक कर सके, कोई भी किसी को भी क्रॉस चेक कर सके नंबर के साथ। जी 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 मैं बता देता हूं, मैं हम लोगों ने कितने, देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर योगी सरकार की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी, 2 लाख से ऊपर संविदा पर नौकरी, 6.5 लाख दिया हमने, और विभागों का नाम सुन लीजिए, पुलिस में 1,37,000, काम कीजिए ना आप, समय बताइए, 1,21,000, अच्छा मैं स्वास्थ्य मिशन में 28,000, यूपी लोक सेवा में 26,000, अधीनस्थ चयन बोर्ड में 16,000, परिवार कल्याण में 8,500, यूपी पीसीएल में 6,400, ये 4.5 लाख की गिनती है हमारी, नाम हमने नंबर दिया। और सुनिए जी, एमएसएमई में, एमएसएमई में हमने हमने रोजगार दिया 2 करोड़ लोगों को, 40 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया, ओडीओपी में महिलाओं को अपने सर मुड़वाने पड़े योगी जी के, इस पूरे प्रदेश को हमने शौचालय दिए। वो फिर अनिरुद्ध जी 2 मिनट शांति से बैठिए, सुनिए, आपने रोजगार दिया 2 दिन पहले भी उत्तर प्रदेश में वहां का बेरोजगार युवा लखनऊ में आंदोलन कर रहा है, माइक थोड़ा दूर कीजिए, और आपके संघ लोक सेवा आयोग को घेर रहा है, आप रोजगार दे रहे हो वो घेर रहे हैं। चलिए अश्वनी जी, मेरी सलाह आपको, मेरी सलाह है आपको, अश्वनी जी सत्ता पक्ष हो, सलाह है मेरी आपको, आप एक लिस्ट जारी कीजिए, आप हमारी वेबसाइट पे डालिए, हम चलाएंगे पूरा दिन आपके नाम नंबर के साथ, कि ये लोग हैं जिनको नौकरियां मिली हैं, आप चलाइए भेजिए ना, हमारा काम है ये, पर आप ऐसे आंकड़े बोलने से काम नहीं चलेगा, पहली चीज। आप अनिरुद्ध जी मैं इंटरप्ट कर सकता हूँ, ये जो नौकरियां दी गई है हरीश जी, चौराहे पर हमारे माननीय मंत्री जी लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, एमपी ने और एमएलए ने बांटे हैं, और उसके बाद भी एक कॉपी आप सार्वजनिक भी कर दीजिए, वेबसाइट पर डाल दीजिए, वो लिस्ट हम निकाल लेंगे प्रिंट। अरे जी सुन लीजिए एक आंकड़ा हमने भी निकाला था दिल्ली सरकार का, मैं आ रहा हूँ उनके ऊपर भी आ रहा हूँ, 26 नौकरियां दी गई, मैं आ रहा हूँ, 26 नौकरियां दी गई थी, आरटीआई में मांगा गया, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी क्वेश्चन मार्क कर रही है दूसरों को, कितनी नौकरियां आपने 7 साल में कितनी नौकरियां दे दी, 26 सात साल में कितनी नौकरी, आप उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में नौकरियों का आश्वासन देते घूम रहे हैं, आप सोचिए कि आप, मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर 26 दे सकते हो ना तो 26 बोलिए, मैं 26 नौकरी दे सकता हूं, लाखों की जो तादाद आप दिखाते हो लोगों को भरमाने का जो काम करते हो ये गलत है, सपा ने 2 लाख भी नहीं दिया था, मैं ये गलत है, ये तो मोदी जी ने किया, 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देने की बात कही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 70 लाख नौकरियां देने की बात की, वो उनसे भी क्वेश्चन, मैं वही पूछ रहा हूँ, आपने अगर 4 लाख दिए तो आप जवाब दीजिए, लिस्ट जारी कीजिए, काम किया है जितनी सरकारी नौकरियां दी है, फिर आंकड़े दिए हैं, आप बताओ ना, 56 में 86 आंकड़े चाहिए, एटीएम कब बने थे, आंकड़े चाहिए, दिखाओ आंकड़े, बिल्कुल 2 लाख आप बता दीजिए, 2 लाख से ऊपर गिनवा दीजिए आप, समाजवादी पार्टी 5 साल का 2 लाख से ऊपर गिनवा दे, मित्रों को ही चैलेंज है, 3500 रुपए से लगा के उनको 40,000 की सैलरी की थी, 1,75,000 शिक्षा मित्र थे, आपको आंकड़ा नहीं आता है, आपको ज्ञान नहीं है, आपको राजनीति करनी है तो आपको मुबारक हो, जिसको ज्ञान नहीं है वो गिनवा दे, मैंने तो एक विभाग का आंकड़ा दिया है, समाजवादी पार्टी की सरकार, आजम खान की चोरी वहां पकड़ी गई, अनिल यादव की चोरी वहां पकड़ी गई, ये है समाजवादी पार्टी की सरकार, पुलिस भर्ती में किस तरीके से बैठी है, सुनिए अनिल दबाल जी, योगी आदित्यनाथ के भांजे जिस तरीके से सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी की, लूडो खेल के, उसका जिक्र करो ना,
कौन सी परीक्षा पास? अरे भाई आजम खा के लोगों की बात जिक्र करिए ना, मुलायम सिंह जी के परिवार के लोगों का जिक्र करिए ना, कि सब सारे लोग वही वही चलाएंगे सरकार। आदित्यनाथ के भाजी 65 लोग, कोई कोऑपरेटिव पार, कोई कहीं, वो कौन सा क्या, कौन से वो सरकारी पे पागे नौकरी? वो तो मजब चलाते वही है, अनिल डब्बा जी वही है, सारे वही रहेंगे। अजीत सिंह की पार्टी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप भी ऐसे आश्वासन देने वाले हो किसानों को? देखा था बैलगाड़ी से बारात गई थी माननीय मुलायम सिंह जी की, मुख्य सचिव बैलगाड़ी से बारात गई थी मुलायम सिंह जी की, अश्वनी जी एक बार और आज सैफई से लेकर लखनऊ तक कहाँ से आ गया ये सब? अश्वनी ये सब देखिए मनोज जी, ये सब मत जाइए। अनिल डब्बा जी तो अमित सारे ठाकुर आइए, अनिल डब्बा जी 2 लाख ये तेरा मेरा ये सब चलता रहेगा। आप ऐसी ही पार्टियों में आप कैसे समझते हो कि मतलब सपा ने ठीक किया था, या आप इनकी बात करते हो कि इन्होंने ठीक कर रहे हैं? मैं ऐसा है, मैं बीजेपी की बात बताना चाहूंगा हरीश जी, इन्होंने केवल देश को बेचने का काम किया, देश की जितनी संपत्ति है बस उसको बेचने का काम किया, और सड़कों के, राज्य मार्गों के, भवनों के नाम, शहरों के नाम बदलने का काम किया, जातिवाद की राजनीति की, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। चलिए आप नया कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका इतिहास भी कुछ मैं गौरवशाली नहीं है, दल बदल के ये हैं, इतना पर्चा पढ़ूंगा तो पूरा समय निकल जाएगा।